नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज में। दोस्तों आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं श्री अभिजीत जी बैस, जो हमारे बहुत परम मित्र हैं और 22 साल के एक्सपीरियंस के साथ इस क्रम में बहुत ज्यादा इन्होंने डीप डाइव किया हुआ है स्क्रम, कैनबैन, सेफ, सब नहीं, प्लस ये IIM कलकत्ता से एलुमनी भी हैं और इन्होंने लेटेस्ट में PhD भी कर रहे हैं NoSQL डेटाबेस में, मेनली MongoDB हो गया या जो भी NoSQL डेटाबेस है। तो अभिजीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप आपसे हम गुजारिश करेंगे कि हमारे कुछ साथियों के सवाल हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं और सपोर्ट के हिसाब से या स्क्रम में कैसे यूज करते हैं। तो पहला सवाल मेरा जो रहेगा आपसे वो यही रहेगा कि स्क्रम और कैनबैन में क्या अंतर है। अमित जी धन्यवाद अपने अपने मित्र को बुलाने के लिए इस चैनल पे। तो स्क्रम और कैनबान, देखिए दोनों एजाइल की एक दोनों अलग अलग मेथड्स हैं। मैं एक एग्जांपल देके कोशिश करता हूँ कि मैं उसको समझा पाऊँ। तो हम एक बार सोचते हैं कि हम एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, राइट। हम पहली बार एक कार का एक मॉडल बना रहे हैं, ठीक है। तो कार के मॉडल में उसका बोनट कैसा होगा, उसका स्टेयरिंग कैसा होगा, स्टेयरिंग में कितने बटन होंगे, राइट। तो उसके व्हील का साइज क्या होगा, उसका बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस होते हैं जो फर्स्ट टाइम हमको हमको समझने होते हैं, राइट। और उसको हमको बनाना होता है। तो एजाइल में स्क्रम का जो और एजाइल का जो पहला फंडा है, मतलब जो फंडामेंटल थीम है वो ये है कि हम मिनिमम वायबल प्रोडक्ट उसको वो डिलीवर करेंगे, विच इज सबसे पहले सबसे अच्छा, मतलब सबसे कम में हम क्या प्रोडक्ट उसको उसको डिलीवर कर सकते हैं, राइट। तो स्क्रम के केस में हम जब नया डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, जब हम प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं या नए फीचर्स डेवलप कर रहे होते हैं, तब हम स्क्रम का यूज करते हैं, राइट। एक कुछ सेकंड्स में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम कानबान कब यूज करते हैं, राइट। और जैसा मैंने कहा कि जरूरी नहीं कि हम स्क्रम यूज कर रहे हो, जरूरी नहीं कि हम कानबान यूज कर रहे हो, हम स्क्रमबान भी यूज कर सकते हैं, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्रम एंड कानबान, राइट। लेकिन हम एक छोटे से इसी एग्जांपल में हम समझने की कोशिश करते हैं कि कार का जब फर्स्ट टाइम जब कार बन रही है तब हम स्क्रम यूज करते हैं, राइट। क्योंकि स्टोरीज जो हमको उसके फीचर्स क्लियर होते हैं, लेकिन कैसे बनना है, क्या बनना है, क्या होना है, वो सारी चीजें हमारे पास क्लियर नहीं होती। लेकिन अगर यही मॉडल बन गया, पायलट प्रोजेक्ट हो गया, उसके बाद हमको असेंबली लाइन पे ये इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मास लेवल पे हमको मैन्युफैक्चरिंग करना है, तब हम क्या एजाइल में स्क्रम यूज कर सकते हैं? और उसका आंसर होगा मोस्ट लाइकली नहीं, राइट। तो हमको कानबान यूज करना होता है। कानबान में क्या होता है, हम एक एक डेवलपर की या एक एक पर्सन की, एक इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी पे ज्यादा काउंट करते हैं, राइट। तो क्या होता है, हमारे पास स्पेसिफिकेशन क्लियर है और वो रिपीटेटिव वर्क जो उस पर्सन को आना है वो उसको काम करके उसमें एक्सपर्टाइज करके और उसको आगे पास ऑन कर देगा। तो फॉर एग्जांपल कानबान में क्या होता है कि जैसे एक बंदे ने कितने स्टेयरिंग आज डिलीवर किए, एक बंदे ने कितने टायर वो बनाए, राइट। तो ये उसकी वेलोसिटी निकलती है, राइट। और वो उसकी एक्सपर्टनेस उसकी उसमें होती चली जाती है और आप उसमें वो करते जाते हो। लेकिन क्रम में ये होता है कि एक स्प्रिंट, मान लीजिए 2 वीक का स्प्रिंट है, तो 2 वीक की स्प्रिंट में कितने फीचर्स डेवलप किए, देखिए दोनों में अंतर है। वहां पर फीचर फिक्स्ड है, वहां पर फीचर फिक्स्ड है और यहाँ पर फीचर डेवलप हो रहे हैं, राइट। ये बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। इसी को मैं एक और तरीके से समझाता हूँ। प्रोडक्शन सपोर्ट के आईटी के एक प्रोजेक्ट में हम अगर स्क्रम यूज करने लगे तो क्या होगा, राइट। हम अगर स्क्रम यूज करने लगे तो आप देखेंगे कि स्प्रिंट जो है वो हमारा प्रिडिक्टेबल है, हमको पता है, कंफर्म्ड है कि ये स्टोरीज है, इतने स्टोरी पॉइंट्स है, हमारा ये कमिटमेंट है और हम ये डिलीवर करेंगे, राइट। लेकिन अगर आपके पास एक हाई प्रायोरिटी, आपकी एप्लीकेशन से बंद हो गई पूरी, आप प्रोडक्शन सपोर्ट के प्रोजेक्ट में हैं, तो आपको वो स्प्रिंट को ब्रेक करना पड़ेगा, राइट। आपको नए टास्क आपको लेने पड़ेंगे, इसका मतलब आप स्क्रम के जो बेसिक रूल्स है कि स्प्रिंट इज फिक्स्ड, आप उसको वायलेट करेंगे, राइट।
स्क्रम प्रोडक्शन सपोर्ट के लिए यूज करना मतलब डिफिकल्ट हो सकता है। मतलब मेरे जो साथी गण हैं जो कि सपोर्ट में काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन सपोर्ट में, तो उनको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आप जब स्क्रम यूज करते हैं तो आपके लिए वो डिफिकल्ट है यूज करना, आपको कैनबैन पे जाना चाहिए, राइट? यही सही समझ रहा हूँ मैं? हाँ, कानबान पे जाना चाहिए। कानबान के केस में क्या करते हैं, हमारे पास एक लॉग होता है, कानबान बोर्ड होता है, कानबान बोर्ड में होता है टू डू, जो जो काम हम हमारे पास जो इश्यूज इंसिडेंट बोल सकते हो, इश्यूज बोल सकते हो, रिक्वेस्ट बोल सकते हो, वो जो हमारे पास टू डू लिस्ट में होती है उसमें से कुछ रेडी स्टेट में आती है कि हमारे पास डिपेंडेंसी खत्म हो गई, हम अब इसको 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 कर सकते हैं। फिर वो कैपेसिटी के हिसाब से जो पर्सन अवेलेबल होता है उसको करने के लिए वो उसको इन प्रोग्रेस स्टेट में लेता है, उसका रिव्यू करता है और कंप्लीट करता है, डन स्टेट में चल जाता है। तो उसमें टिकट्स आते जाते हैं और टिकट्स फ्लो करते जाते हैं, राइट? उसमें स्प्रिंट नहीं होता, उसमें टाइम बाउंड नहीं होता कि दो वीक के स्प्रिंट में, तीन वीक के स्प्रिंट में हम कुछ फीचर्स डिलीवर करेंगे। और कानबान के केस में टाइम नहीं होता है और स्क्रम के केस में टाइम बाउंड होता है। मतलब मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए मैं किसी स्क्रम स्प्रिंट में काम कर रहा हूँ एज स्क्रम बोर्ड, लेकिन अगर मुझे कुछ ऐसा आ गया कि जहाँ पे मुझे प्रोडक्शन को कुछ फटाफट डिलीवर करना है या कुछ काम मेरा बिल्कुल ब्लॉकेज हो गया, तो मुझे कैनबैन बोर्ड पे वो चीज लानी चाहिए इंस्टेड ऑफ स्क्रम, क्योंकि स्क्रम में आपका टाइम फिक्स्ड है, उसी में आपको कंप्लीट करना है, बट कैनबैन में आपको कभी भी आप टाइम टिकट्स खत्म कर सकते हैं फटाफट, उसमें टाइम बाउंड नहीं होता। तो स्क्रम में स्प्रिंट का टाइम बाउंड है, आप देखेंगे तो दो वीक का स्प्रिंट हुआ, तीन वीक का स्प्रिंट हुआ, एक वीक का भी स्प्रिंट होता है, करते हैं, स्प्रिंट टाइम बाउंड है। इस स्प्रिंट में ये टाइम बाउंड, इस टाइम में आप जो मैक्सिमम डिलीवर कर सकते हैं, करेक्ट? और कानबान में वो फिक्स नहीं है, कानबान में टिकट है, इंसिडेंट है, इशू है, राइट? वो हम लेके और जितना भी मिनिमम टाइम लगेगा मिनिमम टाइम में हम डिलीवर करके आगे बढ़ाएंगे। तो कानबान टाइम बाउंडेड नहीं है और स्क्रम स्प्रिंट बोल देंगे तो स्प्रिंट टाइम बाउंडेड है, ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। करेक्ट, तो आपने स्क्रम बान भी बताया कुछ, तो स्क्रम बान जो है ये सेफ का सेफ मेथोडोलॉजी भी एक होती है, उसका पार्ट इसका ही पार्ट है अपना एजाइल मेथोडोलॉजी का। नहीं, सेफ का पार्ट, सेफ में हम मतलब अभी सेफ को थोड़ा सा अलग रखते हैं, लेकिन वो स्क्रम बैंड जो है, स्क्रम बैंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। हम क्या करते हैं कई बार क्या करते हैं कि हम मतलब इंसिडेंट्स को या डेवलपमेंट को हम दोनों को मिक्स करके हम चलाते हैं, राइट? तो हमारा एक स्प्रिंट, अगर हमारे पास तीन स्क्रम टीम है या सात स्क्रम टीम है, सात स्क्रम टीम का जो फीचर्स हैं उनको बनने के बाद हमको उसको कानबान में, जो मैंने एग्जांपल लिया था कार का, राइट? एक मॉडल बन गया तो उसको मैन्युफैक्चरिंग भी तो करना है ना, ऐसा तो है नहीं कि हमने सिर्फ मॉडल बना लिया, उसकी फीचर्स बना ली और उसके बाद फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा। तो वो स्क्रम बान में क्या होता है कि एक टीम जो होती है वो मतलब आपका न्यू इंसिडेंट पे काम कर रही होती है एक स्क्रम टीम, और दूसरी स्क्रम टीम उस पर कानबान पे काम कर रही होती है, तो स्क्रम से जो आउटपुट आता है वो उसके लिए कानबान के लिए इनपुट हो जाता है और वो फिर आगे जाके स्क्रम बान के फॉर्म में काम हो जाता है। कई बार क्या होता है कि मतलब कानबान में इश्यूज आते हैं और वो जो रिक्वेस्ट और वो सारी चीजें डेवलप होती है वो स्क्रम के इनपुट हो जाती है, उसके स्टोरीज बन के और उसमें वो फिर डेवलपमेंट हो जाते हैं। तो मतलब मैंने आपको ये बोला ना कि स्क्रम और एजाइल कहीं भी 100% एक जैसा नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर पे, प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर पे, डिमांड पे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके हिसाब से वो बदलता रहता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये सपोर्ट वालों को सुन के शायद बहुत कुछ समझ में आया होगा इसमें, प्रोडक्शन सपोर्ट टीम वाले जो काम करते हैं, क्योंकि उनको ये कई बार क्लियर नहीं होता कि उनको क्या यूज करना चाहिए, तो आज होपफुली ये क्लियर हो जाएगा और होपफुली ये वीडियो उनको बहुत पसंद आएगा और उनको उनके लिए काफी यूजफुल रहेगा। तो अभिजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस वीडियो के लिए, धन्यवाद शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे साथ आगे भी ऐसे ही बने रहें और आपका पूरा जो एक्सपीरियंस है पूरा सबको निचोड़ उसका पूरा देते रहें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अभिजीत जी।